राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके दिखाए रास्ते पर आज दुनिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से बापू को याद करना नहीं भूलते, लेकिन बापू के देश में उनके हत्यारे का महिमा मंडन की साजिश हो रही है। दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही भूमि पूजन हुआ। जिस गोडसे ने बापू के सीने में दाग दी 3 गोलियां, जिस गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मार डाला, जिस गोडसे ने राष्ट्रपिता को हमसे छीन लिया, उसी गोडसे की 66 साल बाद महिमा मंडन करने की हो रही है साजिश। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह घोर पाप हो रहा है। इसके लिए बाकायदा यूपी के मेरठ में भूमि पूजन कर दिया गया। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में शारदा रोड पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का दफ्तर है। इसी दफ्तर के कैंपस में गोडसे की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया। हिंदू महासभा का दावा है कि 30 जनवरी तक मंदिर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति भी लगा दी जाएगी। ये अखंड भारत माता मंदिर गोडसे जी का नाम दिया गया है, जिसमें अखंड भारत माता की प्रतिमा होगी, विभाजन के पूर्व की अखंड भारत की, और गोडसे जी की साथ में उनकी प्रतिमा होगी। कुछ अंश जो पूना में अस्थि कलश रखा हुआ है गोडसे जी का, वहाँ से अस्थियाँ लाई जाएंगी, वो कलश यात्रा के रूप में लाई जाएंगी और वो भी उस मंदिर में स्थापित करने की योजना है। क्रांतिकारियों और वीरों की भूमि मेरठ में गांधी के हत्यारे की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन के मौके पर हिंदू महासभा हद को पार कर गई। हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री मदन शर्मा बेकाबू हो गए और गांधी जी को लेकर अनाप शनाप बोलने लगे। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। ये पूरा मामला इस तरह से है कि कल शाम को एक कार्यक्रम हिंदू महासभा द्वारा आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम के दौरान में एक मदन शर्मा हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी के विषय में आपत्तिजनक बातें कहीं और जो अपशब्द हैं उनका प्रयोग किया, तो इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज की गई और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन हिंदू महासभा गोडसे को शहीदी का दर्जा देने पर आमादा है। हिंदू महासभा का तर्क है कि 24 दिसंबर 1941 को गोडसे मेरठ आए थे, लिहाजा मेरठ में गोडसे की मूर्ति जरूरी है, वो इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं। अगर डीएम ने लिखित में हमको रोकने की कोशिश की तो हम उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, चैलेंज करेंगे। ये लड़ाई विचारधारा की है और हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन के रूप में भी लड़ेंगे और 30 जनवरी के बाद जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन देश भर से हिंदू महासभा के लोग पैतृक हमारे गांव पारा में गोडसे भूमि मंदिर के पूजन में पहुंचेंगे और वहां पे भूमि पूजन होगा। गोडसे की जहरीली विचारधारा से मेरठ की जमीन सींचने के बाद हिंदू महासभा यूपी के दूसरे इलाकों में भी तैयारी कर रही है। लखनऊ के करीब सीतापुर में भी गोडसे के नाम पर मंदिर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। जिस हत्यारे के लिए हिंदुस्तानियों के दिलों में जगह नहीं, उसे हिंदू महासभा मंदिरों में जगह देने पर तुली है। उस हत्यारे की मूर्ति और मंदिर बनाकर अमर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। गांधी का हत्यारा ना तो कभी क्रांतिकारी था और ना ही देशभक्त, लेकिन जानबूझकर उसके नाम पर हिंदू महासभा 30 जनवरी को शौर्य दिवस मनाने जा रही है। उस्मान चौधरी के साथ आमिर हक, मेरठ आज तक। 66 साल पहले नाथूराम गोडसे ने बापू के सीने में 3 गोलियां दाग दी थी। 30 जनवरी का वो मनहूस दिन भला कौन भूल सकता है। गांधी के विचारों से नाराज था गोडसे, लेकिन जान लेने से पहले उसने भी बापू को नमन किया था। समय हो गया है, चलता हूं। कभी शायद मिलना हो, ना हो। इतना कहकर गोडसे तेजी से मुड़ता है और बिना पीछे मुड़कर देखे तेज कदमों से बिरला हाउस की तरफ चल पड़ता है। आपटे और करकरे गोडसे को बस जाते हुए देखते रहते हैं।
गोडसे के जाने के ठीक 5 मिनट बाद अब आपटे और करकरे भी बिरला हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोनों बेहद घबराए हुए थे, बस एक ही बात का डर सता रहा था, अगर बिरला हाउस के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड तलाशी ले रहा होगा तो क्या होगा, न सिर्फ पिस्तौल पकड़ा जाएगा बल्कि गोडसे भी फंस जाएगा। इसी घबराहट और उधेड़बुन के बीच दोनों आखिरकार बिरला हाउस के गेट तक पहुंच जाते हैं। गेट पर संतरी तो तैनात थे मगर वो किसी की तलाशी नहीं ले रहे थे, न ही गेट पर ऐसी कोई हलचल थी। दोनों ने राहत की सांस ली, उन्हें यकीन हो गया कि गोडसे सही सलामत अंदर घुस चुका है। आपटे और करकरे भी धीरे धीरे टहलते हुए गेट के अंदर जाते हैं। अंदर बाग में पहुंचे तो देखा कि गोडसे भीड़ में घुल मिलकर खड़ा है। गोडसे से दोनों की नजरें टकराती हैं और फिर दोनों धीरे धीरे उसी भीड़ में शामिल होकर गोडसे के दाएं और बाएं खड़े हो जाते हैं। योजना यह थी कि गांधी जी जैसे ही प्रार्थना सभा के लिए आकर चौकी पर बैठेंगे तभी गोडसे उन पर गोली चलाएगा, मगर तीनों भीड़ में जिस तरह उस वक्त खड़े थे वहां से चौकी लगभग 35 फीट की दूरी पर थी। क्या इतनी दूरी से गोडसे सही निशाना लगा पाएगा? आपटे और करकरे चुपचाप खड़े बस यही सोच रहे थे, जबकि जिस गोडसे को यह काम अंजाम देना था वो भीड़ में बिल्कुल अपने आप में खोया बेहद शांत खड़ा था। ऐसा लगता था मानो उसे यह भी याद नहीं कि उसके बगल में आपटे और करकरे खड़े हैं। गांधी जी वक्त के बेहद पाबंद थे, हर रोज शाम ठीक 5 बजे प्रार्थना सभा शुरू कर देते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना सभा तय वक्त पर शुरू नहीं होने पाई थी। बाग में मौजूद लोग गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल गांधी जी बिरला हाउस के अपने कमरे में उस वक्त चरखा काटते हुए सरदार पटेल से बात कर रहे थे। जिस आजादी को हमने इतनी कुर्बानियां देके हासिल किया है ताकि हम, पटेल नेहरू से खफा थे और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे। गांधी जी उन्हें समझा रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पटेल इस्तीफा दें। देश ना तो पंडित नेहरू के बगैर चल सकता और ना ही सरदार पटेल। बातचीत बेहद गंभीर मोड़ पर थी, लिहाजा मनु और आभा की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गांधी जी को टोके। वक्त बीतता जा रहा था और बातचीत लंबी होती जा रही थी। आखिरकार मनु ने किसी तरह हिम्मत कर गांधी जी को घड़ी दिखाकर इशारा किया। गांधी जी ने अपनी घड़ी देखी और पटेल से बोले, ईश्वर से मिलने का समय आ गया है, अब मुझे जाने दो। इसके बाद गांधी जी सीधे बाग की तरफ बढ़ चले। मनु और आभा के कंधे पर हाथ रखकर वो चौकी तक जाने के लिए लॉन का चक्कर लगाने के बजाय लॉन पार कर आगे बढ़ने लगे। प्रार्थना सभा में पहले ही काफी देरी हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए गांधी जी मनु और आभा को लगातार डांट रहे थे। तुम दोनों मेरी घड़ियां हो तो मैं फिर घड़ी क्यों देखूं? मुझे इस तरह से देर से आना कतई पसंद नहीं। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की भी देर मैं बर्दाश्त नहीं। गांधी जी को सामने से अपनी तरफ आता देख भीड़ अचानक बीच से फट गई ताकि गांधी जी के लिए रास्ता बनाया जा सके। भीड़ के बीच से फटते ही गोडसे अपने आप पलक झपकते ही गांधी जी के बेहद करीब आ गया था। आपटे और करकरे की नजरें लगातार गोडसे पर गड़ी थी। गांधी जी अब आहिस्ता आहिस्ता गोडसे की तरफ बढ़ रहे थे। गोडसे के पास फैसले के लिए अब बस चंद सेकंड बचा था और गोडसे ने फैसला कर लिया था। चौकी पर बैठने से पहले इसी रास्ते से गुजरते हुए गांधी जी को बिल्कुल करीब से गोली मारने का फैसला। गांधी जी गोडसे के लगातार करीब आते जा रहे थे और ठीक उसी वक्त गोडसे ने कमर से पिस्तौल निकाली और उसे दोनों हथेलियों के बीच रख लिया। दूर से आते गांधी जी को देखकर उसने उसी वक्त एक और फैसला किया।
उसने फैसला किया कि गांधी जी ने देश की जो भी सेवा की है उसके लिए वो पहले हाथ जोड़कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेगा। अब गांधी जी गोडसे से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर थे और ठीक उसी पल अचानक नाथूराम गोडसे गांधी जी के बिल्कुल सामने आ गया। वो झुका और उसी तरह हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते। मनु ने सोचा कि वो गांधी जी के पैर छूना चाहता है, लिहाजा उसे दूर हटाने के लिए मनु ने धीरे से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भाई साहब, आप रखिए, डॉक्टर को पहले ही दे दूं। और ठीक उसी पल गोडसे ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर मनु को एक तरफ ढकेल दिया। अब उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल साफ चमक रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने अचानक पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। तीनों गोलियां आगे बढ़ते हुए उस दुबले पतले शरीर के सीने में लगी थी। दूध जैसी सफेद धोती लगातार धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। गांधी जी ने लंबी सांस ली और आखिरी हिचकी के साथ बस दो ही शब्द कहे, खून में भीगी गांधी जी की धोती की तह से झांक रही उनकी इंगरसोल घड़ी में उस वक्त ठीक शाम के 5:17 हुए थे। गोडसे के मंदिर का विरोध हर कोई कर रहा है, सियासत से ऊपर उठकर हर सियासतदान इसके खिलाफ है। इस मसले पर वो सांसद भी चुप हैं जिसने गोडसे का महिमा मंडर कर यू टर्न ले लिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी के राज में ऐसा क्यों हो रहा है। जिस नेता ने गुजरात में महात्मा मंदिर बनवाया, जिस नेता ने गांधी के नाम पर स्वच्छता अभियान चलवाया, जिस नेता ने गांधी के दिखाए रास्तों पर चलने की खाई है कसम, उसी नेता के राज में गांधी के हत्यारे की हो रही है पूजा। उसी नेता के राज में नाथूराम गोडसे का बनाया जा रहा है मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्हें आज जनता का पूरा समर्थन है। वो हर बड़े मंच पर गांधी की विचारधारा का जिक्र करते हैं, गांधी को अपना आदर्श बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू महासभा जैसे संगठन को गांधी के हत्यारे गोडसे के महिमा मंडन की ताकत कहां से आ गई, कहां से उसे अपने नापाक इरादे को अमली जामा पहनाने का हौसला मिल गया, कैसे वो गोडसे को बड़ा बनाने में जुटा है। गोडसे की महिमा मंडन और मंदिर बनाने पर सियासत तेज हो गई है, विपक्ष आग बबूला है। ये पहला मौका नहीं है जब गांधी के हत्यारे गोडसे को महान बताया जा रहा है। साक्षी महाराज के इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में पीएम मोदी घिर गए। विपक्ष ने साक्षी महाराज के बहाने मोदी को निशाने पर लिया। मामला तूल पकड़ता देख साक्षी महाराज बैकफुट पर आ गए और आनंद फानन में एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। अगर गलती से कोई निकला होगा तो बच्चनों को वापस लेता हूँ, लेकिन मैंने गोडसे राष्ट्रभक्त नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। बताया जाता है कि साक्षी महाराज से मोदी खफा थे, लेकिन गोडसे के गुणगान की कलंक कथा अभी खत्म नहीं हुई है। हिंदू महासभा वो तमाम हथकंडे अपना रही है जिससे वो गांधी के हत्यारे गोडसे के पापों को धो सके। अखिल भारतीय हिंदू महासभा गोडसे के नाम पर मूर्ति मंदिर बनाने के अलावा फिल्म भी रिलीज करना चाहती है। गोडसे के नाम पर उसने देशभक्त नाथूराम गोडसे जैसी फिल्म बनाई है जिसे 30 जनवरी पर रिलीज करना चाहती है। 26 मई 2014 को मोदी ने पीएम की शपथ ली थी, सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करने का वादा किया। उसी नारे के सहारे मोदी आधुनिक भारत की तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे में हिंदू महासभा जैसे संगठन सेंध लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।